हेलो गाइस, वेलकम टू हैकर सोसाइटी। जब भी हम हैकिंग की बात करते हैं तो इसमें पांच फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला रिकॉनिसेंस, इसको ही हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग कहते हैं। सेकंड स्कैनिंग, थर्ड गेनिंग एक्सेस, फोर्थ मेंटेनिंग एक्सेस, फिफ्थ क्लियरिंग योर ट्रैक्स। इन पांच फेजेस से आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में हम क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। रिकॉनिसेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। इस फेज में हम विक्टिम के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। अच्छा, तो इस इंफॉर्मेशन गैदरिंग से हैकिंग का क्या लेना देना है, ये हम जानते हैं इस एग्जांपल। सपोज एक बंदा है जिसको पबजी खेलना पसंद है और ये बात उस हैकर को पता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस बंदे को रॉयल पास और यूसी कैश में इंटरेस्ट होगा, राइट? तो इसका फायदा हैकर इस तरह उठाते हैं। पहले वो उस बंदे को एक फेक फिशिंग वेबसाइट की लिंक भेज देंगे जिसमें वो दावा करेंगे कि इस वेबसाइट पर रजिस्टर करने पर 100 यूसी फ्री में उस बंदे को मिलेगा, लेकिन उसके लिए उस बंदे को अपने पबजी अकाउंट से रजिस्टर करना होगा। और अगर उस बंदे को यूसी में इंटरेस्ट होगा तो वो बंदा शायद उस वेबसाइट पर रजिस्टर कर भी दे। और अगर उस बंदे ने वहाँ पर पबजी की लॉगिन डिटेल्स डाल दी तो उसका वहाँ पे अकाउंट हैक हो गया, पबजी का भी अकाउंट गया और जो अकाउंट पबजी से लिंक किया था वो अकाउंट भी गया। ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे बहुत ही अलग अलग तरीके की टेक्निक यूज करते हैं। मैं आपको वो हर एक टेक्निक बताने वाला हूँ आपको इस कोर्स में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपने देखा कि छोटी सी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो क्या कर सकते। वैसे तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के दो टाइप्स होते हैं, पहला एक्टिव रिकॉनिसेंस, सेकंड पैसिव रिकॉनिसेंस। ये जो ऊपर का एग्जांपल बताया मैंने जिसमें वो हैकर उस बंदे को लिंक भेजता है, वो एक एक्टिव रिकॉनिसेंस का एग्जांपल है। क्योंकि हैकर उस बंदे को लिंक भेज रहा है मतलब वहाँ पर उनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो रहा है। पैसिव रिकॉनिसेंस में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता, उसमें विक्टिम को ऑब्जर्व किया जाता है, क्या करता है, कौन से काम करता है, उसमें वो हर चीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और कुछ काम का मिलने का इंतजार होता है। लेकिन इस तरीके में कोई गारंटी नहीं है कि आपको कुछ काम का मिलेगा या नहीं, लेकिन इस तरीके से विक्टिम को पता नहीं चलेगा कि उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। और एक्टिव रिकॉनिसेंस बहुत ही इफेक्टिव है, एग्जाम्पल के तौर पर जो हमें फ्रॉड कॉल आते हैं जिसमें हमें अपने बैंक की डिटेल्स पूछी जाती है, वो एक एक्टिव रिकॉनिसेंस का एग्जांपल है। इसमें जो फ्रॉड करने वाला है वो हमसे डायरेक्ट हमारी बैंक की डिटेल्स पूछता है, थोड़ी सी टेक्निक अलग यूज करता है, मतलब कुछ तो भी बहाने बनाएगा और फिर वो घूम फिर के बैंक डिटेल्स के ऊपर ही आता है। तो ये एक एक्टिव रिकॉनिसेंस का एग्जांपल है। लेकिन अगर विक्टिम को थोड़ा सा भी उस चीज में डाउट होता है तो ये चीज वर्क नहीं करती। तो चलिए सेकंड फेज की तरफ जो कि है स्कैन। इस फेज में हम जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उस इंफॉर्मेशन का यूज करके उस विक्टिम की कमजोरियों का पता लगाते हैं, इसको ही हम वल्नरेबिलिटी भी कहते हैं। यहाँ पर कमजोरी कुछ भी हो सकती है, एग्जाम्पल जैसे वो विक्टिम वाईफाई यूज करता हो और हैकर वाईफाई को हैक करके उसके नेटवर्क में एंटर कर सकता है, और अगर वो नेटवर्क में एक बार घुस जाता है तो वहाँ पर वो बहुत सारे अटैक्स परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि मैन इन द मिडल अटैक। आगे आगे मैं आपको ये सब अटैक्स परफॉर्म करके दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ जो कि है गेनिंग एक्सेस। इस फेज में अगर हमें कोई कमजोरी मिलती है तो उस कमजोरी का कैसे फायदा उठाना है ये डिसाइड किया जाता है। सपोज विक्टिम फोन यूज करता है तो हैकर उसके फोन में एक मालवेयर इंस्टॉल कर सकता है, जिससे क्या होगा कि वो उसके फोन को रिमोटली एक्सेस कर सकता है। इस फेज में उसको बस ये डिसाइड करना होता है कि वो जो मालवेयर है उसको वो उस फोन में कैसे इंस्टॉल कर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ जो कि है मेंटेनिंग एक्सेस। मेंटेनिंग एक्सेस इस फेज में हैकर विक्टिम के सिस्टम में एक्सेस लेने के बाद उस एक्सेस को हमेशा के लिए मेंटेन रखने के लिए वो क्या क्या कर सकता है वो डिसाइड करता है। एग्जाम्पल जैसे नेता लोग एक बार इलेक्ट होने के बाद वह अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए अच्छी रोड स्कूल बनाते हैं, वैसे ही वो हैकर भी अपनी एक्सेस मेंटेन रखने के लिए बैकडोर, की लॉगर या कोई दूसरा मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे कि नेक्स्ट टाइम उसे उस सिस्टम में एक्सेस लेने में इजी हो जाए। और लास्ट फेज है कवरिंग योर ट्रैक्स। इस फेज में हैकर अपने से जुड़ी जानकारी उस विक्टिम के सिस्टम से हटा देते हैं जिससे कि उसे पकड़ना मुश्किल हो जाए। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। वैसे तो हर एक स्टेप इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो फर्स्ट फेज है रिकॉनिसेंस वो आपका टाइम बचाएगा और जो लास्ट स्टेप है वो आपको एनोनिमस रखेगा। तो
आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक लैब बनाएंगे जहां पर आप हैकिंग प्रैक्टिस कर सको और आप सेफ भी रह सको। और अगर आपको भी हैकिंग में इंटरेस्ट है तो आप हमारे सोसाइटी में ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको हैकिंग प्रैक्टिकल के साथ सिखाने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी वो चीज़ पूछ सकते हैं।